नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, मैं आज आपके लिए लेकर आया हूँ टेस्ट थ्री है ये हमारा, किसका? एयरफोर्स का और एक्स ग्रुप का। एक्स ग्रुप से रिलेटेड क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूँ, प्रीवियस ईयर एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन हैं। और दोस्तों, आपको इसमें थ्योरी प्लस न्यूमेरिकल दोनों प्रकार के क्वेश्चन आपको मिलेंगे। ऐसा नहीं है कि आपको केवल थ्योरी कराई जा रही है या केवल न्यूमेरिकल कराए जा रहे हैं। आप जानते हैं कि सभी लोग थ्योरी कोई भी करा देगा, लेकिन तो देखिए, पहला क्वेश्चन है हमारे पास, ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर कार्य करता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, कई बार पूछा गया है, ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर कार्य करता है। पहला है अपकेंद्रण, दूसरा विद्युत चुंबकीय प्रेरण, तीसरा ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर, या फिर संवेग संरक्षण पर। तो सभी बच्चे बिल्कुल सही आंसर दे सकते हैं। इसका सही आंसर है विद्युत चुंबकीय प्रेरण। विद्युत चुंबकीय प्रेरण की घटना पर ट्रांसफार्मर काम करता है। अच्छा, ट्रांसफार्मर का क्वेश्चन अगर ऐसे आ जाएगी, ट्रांसफार्मर कार्य क्या करता है, तो ट्रांसफार्मर कार्य करता है वोल्टेज को अप और डाउन करता है। क्या करता है? वोल्टेज को अप और डाउन, यानी कि वोल्टेज को हम बढ़ा सकते हैं इससे और घटा सकते हैं। चलिए, अगला क्वेश्चन है कि आवेग, आवेग यानी कि इम्पल्स किसके बराबर होता है, आवेग किसके बराबर होता है? संवेग के बराबर होता है, संवेग में परिवर्तन के बराबर होता है, या संवेग में परिवर्तन की दर के बराबर होता है, या कोणीय संवेग के बराबर होता है। तो दोस्तों, आवेग को हम कह सकते हैं क्या, आई बराबर जो आवेग होता है हमारा, या आवेग को हम जे से भी डिनोट करते हैं, आवेग इजकल टू होता है बल गुणा विस्थापन। क्या होता है? बल गुणा विस्थापन नहीं, समयांतराल, F इंटू डेल्टा टी आवेग होता है। और संवेग हमारा क्या होता है? संवेग P बराबर एम बी होता है, तो ये तो होगा नहीं। दूसरा, संवेग परिवर्तन की दर, संवेग में परिवर्तन के भी बराबर नहीं होगा बिल्कुल। अब संवेग परिवर्तन की दर, संवेग परिवर्तन की दर को हम बल कहते हैं, तो इसी के बराबर हो जाएगा। कैसे देखते हैं, संवेग परिवर्तन की दर होती है हमारी क्या, कि F बराबर संवेग परिवर्तन की दर डेल्टा P अपॉन हो जाएगा डेल्टा T। तो जो डेल्टा T है वो किसके साथ में चला जाएगा, आप देख पा रहे हैं, F के साथ में इनटू हो जाएगा, और डेल्टा P बन जाएगा हमारा क्या, F इनटू डेल्टा T, और F इनटू डेल्टा T हमारा आवेग हो जाएगा। समझ गए या नहीं? तो ऑप्शन नंबर C हमारा सही आंसर हो जाएगा। क्या आवेग संवेग परिवर्तन की दर के बराबर होगा क्या? आवेग। चलिए, अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा थर्ड क्या कहता है हमसे, कि यदि किसी, ये चित्र दिया है और इस चित्र में हमें त्वरण प्राप्त करना है। क्या त्वरण कितना होगा, और टी का बल, टी का तनाव, टी का मान क्या होगा, रस्सी में तनाव क्या होगा? ये आंसर है, ये ऑप्शन है कि क्या आंसर होगा इसका। तो देखिए बच्चों, यहाँ एम वन 8 किलोग्राम का ये रखा हुआ है, और यहाँ एम टू 10 किलोग्राम का लटका है। तो आप बता सकते हैं कि गति किस तरफ होगी, ये 10 किलोग्राम इसको खींचता हुआ ऐसे करके ले जाएगा, तो गति इस तरफ हो रही है। आपको पता चल गया, गति इस तरफ हो रही है। तो इस टाइप के न्यूमेरिकल को बहुत ही आसानी से मैं करना बताऊंगा आप लोगों को। इसके लिए आपको बताना चाहता हूं कि देखिए, हम यहाँ पर FBD डायग्राम की हेल्प से इसको सॉल्व करेंगे। अगर हम इस रस्सी में देखें, तो जो भार है हमारा MG, रस्सी का भार, ये जो पिंड लटका हुआ है M2, इसका भार नीचे की ओर काम करेगा। मैं कहूँगा इसको M2G, जो भार होता है उसको हम MG कहते हैं। यहाँ पर M2 है ये, तो M2G कह रहे हैं। अब डोरी में खिंचाव उत्पन्न होगा ऊपर की ओर, क्योंकि भार की वजह से ये नीचे की ओर आएगा, तो डोरी टाइट हो जाएगी, डोरी खिंचेगी, डोरी में तनाव आ जाएगा, तो डोरी का तनाव इसके नीचे जाने का विरोध करेगा, तो टी की दिशा आ जाएगी ऊपर की ओर। ठीक है, टी ऊपर की ओर आ गया। तो यहाँ पर ये अपोज हो गया, इन दोनों बल विपरीत हो गए, फिर भी गति हो रही है हमारी नीचे की ओर। और जब गति होती है तो बल काम करता है F बराबर ma। क्या काम करता है? F बराबर ma। तो यहाँ का अगर हम इक्वेशन बनाएं, केवल इतने का इक्वेशन बनाएं, इस पार्ट का, किस पार्ट का, ये जो पार्ट है हम इसका इक्वेशन बनाएं, तो क्या बनेगा कि M2G बड़ा बल है नीचे की ओर ले जाएगा खींचता हुआ, M2G माइनस KT बराबर हो जाएगा MA। अब M कौन सा है हमारे पास? M2 है, तो M2A हो जाएगा, समीकरण नंबर एक। तो M2 की वैल्यू कितनी है? 10 किलोग्राम। कितना है? 10 kg। तो 10 यहाँ पर गुरुत्वीय त्वरण G है, तो 10G हो जाएगा, माइनस K हो जाएगा T, बराबर हो जाएगा 10A, M2 की वैल्यू 10, तो 10A हो जाएगा यहाँ से। ठीक है, 10A।
समीकरण नंबर हो गया हमारा पहला। अब बात आती है M2A वाले पर। M1A जो रखा हुआ है, M1A 8 किलोग्राम रखा है, वो देखो पॉलिश हो रही है इसके नीचे, यानी कि चिकनी मेज पर रखा हुआ है, तो इसमें घर्षण भी नहीं लगेगा। तो अब डोरी नीचे की ओर इस तरीके से डोरी ऐसे करके खींच रही है, तो डोरी का तनाव इस तरफ खींचता हुआ इसको ले जाएगा, किसको, M1A को। तो इसको कोई विरोध करने वाला है नहीं, तो सीधे हो जाएगा सेकंड समीकरण T बराबर M1A के बराबर हो जाएगा, कि जितनी स्पीड से ये खिंच रहा है, जितने त्वरण से, जितने बल से ये खिंच रहा है, वो तनाव के कारण खिंच रहा है, तो M1A हो जाएगा। तो यहाँ से T की जगह कितना हो जाएगा, M1 की वैल्यू है 8, तो 8A हो जाएगा, और ये समीकरण नंबर 2 बन गया। अब देखिए T की वैल्यू समीकरण 1 में रख देंगे तो क्या हो जाएगा कि 18 हो जाएगा, ये 8T की जगह हम लिखेंगे 8A, तो 8A इधर से जाके मैं आपको बता देता हूँ, कलर चेंज करके बताता हूँ, देखिए यहाँ पर T की जगह 8A, ये T माइनस का इधर आके प्लस का हो जाएगा, तो 8A, ये T की वैल्यू कितनी है 8A, तो 10 और 8 18 हो जाएंगे, यानी कि 10G बराबर कितना हो जाएगा हमारा 18A हो जाएगा। तो A बराबर हो जाएगा कितना, 2 5 10 और 2 9 18, 5/9 हो जाएगा, कितना हो जाएगा A की वैल्यू, 5/9 क्या हो जाएगा, ये बराबर 5/9, लेकिन साथ में कौन है, 10 के साथ में जी और है, कितना, 5/9 जी, तो जी की वैल्यू होती है 9.8, कितनी होती है 9.8, जब 9.8 रखेंगे तो ए बराबर हो जाएगा 49/9, और 49 से भाग देंगे तो आएगा हमारा कितना, 5.44, कितना आएगा 5.44, तो ऑप्शन नंबर D हमारा सही आंसर हो जाएगा। A की वैल्यू 5.4 हो गई, तो और A की वैल्यू हम T के साथ में यहाँ पर रख देंगे, 8 का गुणा करेंगे हम A की वैल्यू में 8 का गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 43.52, यानी कि 52। तो इस तरीके से इसका आंसर आएगा। आशा करता हूँ सभी लोगों को समझ में आएगा, अगर समझ में ये नहीं आया हो तो एक बार रिपीट कर सकते हैं, आप इसको दोहरा सकते हैं थोड़ा सा वीडियो को। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन 4 हमसे कह रहा है कि दो आवेशों के बीच लगने वाला बल उनके बीच की दूरी के वर्ग के क्या होता है। तो आप लोग समझ गए होंगे, जिन लोगों ने कूलम का नियम पढ़ा है वो लोग समझ गए होंगे कि ये क्या कहना चाह रहा है क्वेश्चन हमसे। ये क्वेश्चन हमसे क्या कहना चाह रहा है कि बल समानुपाती होता है, सीधे समानुपाती होता है, या व्युत्क्रमानुपाती होता है, या इनमें से कोई नहीं। तो बिल्कुल सही समझे हैं, ऑप्शन नंबर C इसका राइट आंसर है, कि बल इसके व्युत्क्रमानुपाती होता है, दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अगला क्वेश्चन है कि एक एम्पियर है, एम्पियर इंटू सेकेंड किस भौतिक राशि का मात्रक है। तो आप लोगों बता सकते हैं किसका मात्रक है, आवेश का, दूसरा धारा का, तीसरा प्रतिरोध का, या विद्युत वाहक बल का। आप लोग एक कॉपी और पेन लेकर बैठा कीजिए, जिससे कि आपको पता चल पाए कि अगर मैं सीरीज लेकर आ रहा हूँ तो उसमें से आप कितने सही कर पा रहे हैं, ठीक है। तो जैसे मैं आपको 10 क्वेश्चन कराता हूँ इस सीरीज में, तो आप 10 में से कितने ला पा रहे हैं ये तो पता चले कि हम कितने पानी में, हम कितने सही कर रहे हैं। तो एक बार पेन और कॉपी लेकर बैठा कीजिए। देखिए अगर आज मैं 10 क्वेश्चन की सीरीज ला रहा हूँ, तो अगले दिन मैं 15 की सीरीज लेकर आता हूँ फिर, क्योंकि टोटल हमारे 15 और 25 आते हैं एयरफोर्स के अंदर, ठीक है। तो पहले दिन 10 और अगले दिन 15, इस तरीके से आता है, ठीक है। साथ ही अगर आप मुझसे लाइव बोर्ड पर पढ़ना चाहते हैं तो एक बार कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि सर हमें बोर्ड पर पढ़ाइए, तो मैं आपके लिए बोर्ड पर भी क्लास अवेलेबल करा दूंगा, ठीक है। तो आप ये देखते चलिए कि आप कितने सही कर पा रहे हैं, ठीक है। तो इसमें क्या ऑप्शन आने वाला है, बिल्कुल सही आंसर आएगा आवेश। क्यों आएगा आवेश, तो आप लोगों ने पढ़ा है I बराबर फॉर्मूला होता है Q/T, क्या होता है Q/T, तो Q बराबर क्या हो जाएगा I × T, दैट मीन्स I एम्पियर इंटू टी समय सेकंड, तो एम्पियर इंटू सेकंड, ये सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद दूसरा है दो समान हीटर जिस पर 220 वोल्ट और 100 वाट अंकित है, 220 वोल्ट और 100 वाट अंकित है, को श्रेणी क्रम में 220 वोल्ट से जोड़ा जाता है, उपयुक्त शक्ति का मान बताइए। तो इस कुल उपयुक्त शक्ति कितनी होगी ये बताना है। ये अच्छा क्वेश्चन है बच्चों आपके लिए, कि दो हीटर हैं और दोनों हीटरों को श्रेणी क्रम में जोड़ दिया जाता है, 220 वोल्ट के सप्लाई से जोड़ते हैं, तो कुल शक्ति अब कितनी शक्ति लेंगे। एक वाट जो एक हीटर था वो 100 वाट पे चलता है, खुद कह रहे हैं कि एक हीटर 100 वाट ले रहा है, तो दो हीटर श्रेणी क्रम में कितना वाट लेंगे। जितने भी बच्चे हैं तुरंत इसका आंसर लगा सकते हैं कि 100 वाट
100 वाट एक हीटर ले रहा है, कितना 100 वाट तो दो हीटर कितने वाट की शक्ति लेंगे? तुरंत सभी लोग 100% बच्चा आंसर कर देगा, सीधे 200 वाट लेंगे भाई। कि पहला पहला क्या 100 वाट ले रहा है तो दो है तो 200 वाट लेंगे, जो कि आंसर हो जाएगा आपका गलत। क्या होगा? गलत। ये गलत हो जाएगा, क्यों? अब इसको समझेंगे। बल्कि 100 वाट का भले ही है बल्ब, लेकिन श्रेणी क्रम में आते ही इनकी शक्ति आधी हो जाएगी और आधी शक्ति से काम चल जाएगा, 50 वाट इसका सही आंसर आएगा। अब इसका प्रूफ देख लो बच्चों, प्रूफ कैसे होगा तो देख, तो जैसा ही श्रेणी क्रम है तो हमें प्रतिरोध निकालना होगा। प्रतिरोध निकालने के लिए आप फॉर्मूला जानते हैं कि R बराबर फॉर्मूला हो जाएगा क्या, पी वी स्क्वायर अपॉन पी। क्या हो जाएगा फॉर्मूला? वी स्क्वायर अपॉन पी। तो हमारा R कितने वोल्ट का है ये हीटर? 220 वोल्ट का, तो 220 इंटू 220 इंटू 220 बटे कितना है 100। तो देखिए 220 के एक जीरो से ये जीरो गया और इसके जीरो से ये जीरो चला जाएगा, तो बचेगा क्या 22 × 22 484 कह सकते हैं। R बराबर आ गया हमारा कितना 484, कितना आ गया 484 ओम। ठीक है, अब श्रेणी क्रम में क्या होता है, सीधे जुड़ जाते हैं, तो श्रेणी क्रम में R1 प्लस R2 हो जाएंगे, तो 484 × 484 तो 2 484 हो जाएंगे, 2 × 484 श्रेणी क्रम में तुल्य प्रतिरोध हो जाएगा, 2 × 484 2 × 484। ये बात सबकी समझ में आई या नहीं? अब हमें सप्लाई कितनी दे रहे हैं, 220 वोल्ट की सप्लाई दे रहे हैं, तो शक्ति बतानी है। तो शक्ति का फॉर्मूला होता है हमारा P बराबर वी स्क्वायर अपॉन R। क्या होता है फॉर्मूला? वी स्क्वायर अपॉन R। ठीक है, तो P बराबर V कितना है, V का स्क्वायर 220 × 220 बटे R। R कितना निकला है टोटल प्रतिरोध, तुल्य प्रतिरोध है R1 प्लस R2 यानी कि 484 + 484 यानी 2 484 हमारे पास। तो देखिए बच्चों कि यहाँ 22 और 22 होते हैं 484, तो ये कट जाएगा 22 × 22 484 ख़त्म। अब ऊपर रह गए दो जीरो मतलब 100, तो दो से ये कट जाएगा कितना 100, 50 बार कट जाएगा, कितने बार कटेगा तो 50। इसका सही आंसर आ गया कितने, 50 वाट, तो आंसर आएगा 50 वाट। आशा करता हूँ आप लोगों की समझ में बहुत अच्छे से आ गया होगा। अगर कोई दिक्कत आती है तो आप वीडियो को रिवाइज करके देख सकते हैं, या फिर आप कमेंट में बोल सकते हैं, मैं आपके लिए बोर्ड पर क्लास लेकर आऊँगा, बोर्ड पर पढ़ाऊँगा आपको, चिंता ना करें। देखिए अगला क्वेश्चन है हमारे लिए कि दो सदिशों के सदिश गुणनफल का परिमाण उसके अदिश गुणनफल के परिमाण का √3 गुना है, तो उनके बीच कोण क्या होगा? बहुत अच्छा, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, बहुत ही अच्छा सवाल है, कई बार क्वेश्चन में पूछा गया ये, कई बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है ये। तो देखिए बच्चों कैसे करेंगे, दो सदिशों का सदिश गुणनफल, सदिश गुणनफल होता है हमारा क्या, ए वेक्टर, जैसे मैं सदिश मान लूँ एक ए है और एक बी है, तो ए वेक्टर सदिश गुणनफल के लिए लगाएंगे क्रॉस बी वेक्टर। अब कह रहा है इसका परिमाण, तो ये परिमाण लगा लिया, बराबर कितना किसके हैं, उनके अदिश गुणनफल के परिमाण, और अदिश गुणनफल क्या होता है ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, ये हमारा अदिश गुणनफल होता है, इसका भी परिमाण कर लिया, का √3 गुना है, तो मैं कर देता हूँ इसका √3 गुना है, चलिए √3 गुना कर दिया। तो इनके बीच में कोण पूछा है, देखिए कोण हम आसानी से निकाल पाएंगे, ए क्रॉस बी होता है ए बी साइन थीटा, क्या होता है ए बी साइन थीटा, ठीक है, बराबर ए बी साइन थीटा, और बराबर हो जाएगा इधर ए डॉट बी होता है ए बी कॉस थीटा, तो ए बी कॉस थीटा, कॉस थीटा, और ये कौन है √3 है ये, ठीक है। तो देखिए ए बी से ए बी कैंसिल हो जाएगा और ये नीचे आएगा कॉस, तो बन जाएगा ये साइन बटे कॉस टेन थीटा बन जाएगा, तो टेन थीटा बराबर हो जाएगा कितना √3, और टेन 60 की वैल्यू होती है √3, कितना होता है 60 डिग्री, और 60 का मतलब मैं कह सकता हूँ π/3, कितना हो जाएगा π/3, तो इसका सही आंसर क्या आएगा π/3 इसका सही आंसर होगा। आशा करता हूँ सबको समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सीरीज का ये, कि 1600 किलोग्राम द्रव्यमान की एक कार 72 किलोमीटर/घंटा ही चाल से चल रही है, तो इसकी गतिज ऊर्जा कितनी होगी? आप लोग आसानी से कर सकते हैं, फिर भी इसका आंसर 50% बच्चे क्या करते हैं, इसका गलत आंसर दे देते हैं।
क्यों दे देते हैं आप समझेंगे, क्या समझेंगे कि फॉर्मूला होता है 1/2 mv² आप लोग कह रहे हैं कि के बराबर फॉर्मूला तो सर जी होता है 1/2 mv², बिल्कुल सही बात है ठीक है। लेकिन m यहाँ पे कितना दे रखा है 1600 ठीक है, तो 1/2 × 1600 कर लेते हैं 1600 × v². अब v की अगर बात करें तो ये किलोमीटर प्रति घंटा में, हमें चाहिए मीटर पर सेकंड में, किसमें चाहिए मीटर पर सेकंड में। तो बच्चों यहाँ पर बात हो जाएगी 72 को मैं 5/18 से मल्टीप्लाई करूँगा तो क्या आ जाएगा मीटर पर सेकंड में आ जाएगा, तो 18 × 4 72 और 4 × 5 20 यानी कि 20 मीटर पर सेकंड वेग आ गया, मीटर पर सेकंड आ गया किलोमीटर प्रति घंटा से। अब हम यहाँ पर 20 का स्क्वायर यानी v का स्क्वायर है तो 20 का स्क्वायर 400 रख देंगे, कितना रखेंगे 400, यहाँ 2 से ये कट जाएगा 8 बार और 8 × 4 = 32 कितना हो जाएगा, तो 32 × 2 और 2 = 4 0 तो 10^4 हो गई 4, तो 32 × 10^4 जूल बिल्कुल सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि चित्र में ये समतुल्य प्रतिरोध, तुल्य प्रतिरोध बताना है, ये तुल्य प्रतिरोध कितना होगा। देखिए इसमें इसमें इस क्वेश्चन में काफ़ी बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा कि एक क्लास जब इंटर में आप पढ़ते हैं तो वहाँ पर आता है व्हीट स्टोन सेतु, तो ये व्हीट स्टोन सेतु पर आधारित क्वेश्चन है। इसमें क्या होता है कि ये जो बीच वाला प्रतिरोध है ना, ये किसी काम का नहीं होता, इसमें धारा नहीं बहती। तो यहाँ से अगर हम ऐसे करके यहाँ चले जाते हैं तो एक पॉइंट बन गया, ये ए है और ये बी है, ये मान लेते हैं। तो ए से बी तक एक रास्ते में एक तो ये प्रतिरोध आ गया और एक ये प्रतिरोध आ गया, इसके बाद ये दूसरा रास्ता है इससे यहाँ जा रहे हैं, तो ये एक प्रतिरोध है और ये दूसरा प्रतिरोध है, तो ये दोनों श्रेणी क्रम में आ गए, ये वाला और ये वाला श्रेणी क्रम में आ गए, उसके बाद ये दोनों समांतर क्रम में हो जाते हैं और आंसर आ जाता है। तो देखिए बच्चों इसका आसानी से सही आंसर हो जाएगा क्या, कि ये दोनों किसमें श्रेणी क्रम में, ये दोनों श्रेणी क्रम में, इसका काम नहीं है, बीच वाले का काम नहीं है। तो शॉर्टकट सीधे सीखेंगे कि 8 और 8 कितने हो जाएंगे 16, यहाँ पर नीचे 8 और 8 कितने हो जाएंगे श्रेणी क्रम में तो 16 है। इसके बाद समांतर क्रम है, समांतर क्रम में जब दो प्रतिरोध सेम हो, समांतर क्रम चल रहा हो, तो उनका आधा कर दो, क्या कर दें 1 2 कितना है 2 2 2 से भाग लगा दें तो कितना आ जाएगा आंसर 2 8 16 8, 8 ओम सही आंसर है ठीक है। अगर यहीं पे 3 16 होते तो 3 से भाग लगा दो, 4 16 है तो 4 से भाग लगा दो, ये शॉर्टकट है आपको समांतर क्रम निकालने का ठीक है। और वैसे अगर हम करेंगे तो 1/16 + 1/16 + 1 जितना भी जो कुछ है 1/1/1 करके जोड़ते जाएंगे तब आंसर आ जाएगा ठीक है। तो अगला क्वेश्चन आप आराम से कर सकते हैं, ये व्हीट स्टोन सेतु है तो आप लोग देख पा रहे हैं कि ये बीच वाला जो रेजिस्टेंस है वो किसी काम का नहीं होता, इसको काट देंगे तो फिर ये श्रेणी क्रम में हो गए, ये श्रेणी क्रम में हो गए, इसके बाद ये पूरा समांतर क्रम में हो जाएगा, ये कौन कौन ऊपर वाला 5 और 5 10, नीचे वाला 5 और 5 10, अब 10 का समांतर करेंगे तो वही 5 आ जाएगा, क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा, ये पूरा 5 हो गया, और फिर ये पूरा का पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक एक ही तार बन जाएगा यानी श्रेणी क्रम चल जाएगा, तो 5 और ये 5 और ये 5 15 हो जाएंगे, 5 10 15 15 ओम इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी ठीक है। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो, क्वेरी हो, आप कमेंट करके बताइएगा, कोई दिक्कत हो तो आप बताइएगा, मैं आपके लिए बोर्ड पर क्लास लेकर आ जाऊंगा, अवेलेबल कर देंगे क्लास बोर्ड पर, बिल्कुल आपको पढ़ाया जाएगा बहुत बेहतरीन तरीके से और आपके मार्क्स बढ़ाए जाएंगे, बिल्कुल मार्क्स बढ़ाए जाएंगे आपके एग्ज़ाम में ठीक है। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो शेयर ज़रूर करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, साथ ही आप नए हैं चैनल पर तो सब्सक्राइब ज़रूर करें।